अभिष ये बताइए कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप फॉरेन ट्रैवल तो आपने बहुत किया है, लेकिन शायद रह पहली बार रहे हैं विदेश में। पहली बार भारतीय साहित्य में कितना इंटरेस्ट है? सही सही, भारतीय साहित्य में कितना इंटरेस्ट है विदेश के अलग अलग देशों में? विदेश में जी, सच की बात कहूं तो काफी कम है। और ये सिर्फ मतलब मैं अपना इम्प्रेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको आंकड़े दिखा बता देता हूँ। एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट हुआ था हाल में, मुझे आमंत्रित किया गया था वहां पे, मैंने वहां पे अपनी बात भी रखी थी, स्पीच किया था, जो यूनाइटेड नेशंस के जो भूतपूर्व जो सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून ने वहां पे कीनोट एड्रेस दिया था। और आप मानेंगे नहीं, देखिए भारत तो मतलब जन समुदाय के रैंकिंग में तो नंबर 2 देश है, इकोनॉमी के रैंकिंग में नंबर 5 है, वो पूरे कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मैं ही एक भारतीय था, स्टेज पे नहीं ऑडियंस में भी। ओके, हमारे भारत देश की जो, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल सॉफ्ट पावर समिट, और ये उनके साथ उन्हें एक रिपोर्ट भी किया था, सॉफ्ट पावर रैंकिंग ऑफ कंट्रीज, भारत की रैंकिंग 27 पे है, सोचिए नंबर 27। और भाई मेरे हिसाब से तो ये काफी कम है, लेकिन एक्चुअली इसमें काफी ग्रोथ हुआ है, क्योंकि पहले तो हम लोग टॉप 50 में भी नहीं आते थे। तो धीरे धीरे हमारा जो इमेज है वो बढ़ रहा है, और कुछ कुछ चीजें लोगों को मालूम है योगा। और एक बहुत अच्छी बात जो हमारे जो प्रेजेंट सरकार है उन्हें बहुत अच्छी बात की है कि वर्ल्ड योगा डे उन्होंने जो लॉन्च किया है, क्योंकि मुझे ज्ञात पड़ रहा है यहाँ पे आके कि कई लोग मतलब कुछ लोग तो योगा को मतलब भारत से अलग सोचने लगे थे कि ये कहीं और से आए। तो क्योंकि हमने योगा डे, और मोदी जी खुद योगा करते हैं, ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो कम से कम पूरे दुनिया भर में ये बात तो मतलब एक्सेप्ट कर ली गई कि योगा भाई भारतीय का है। आप मतलब आप जिस भी देश के हो आप करें, लेकिन ये भारत का योगदान है दुनिया के लिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे हमारी विजिबिलिटी अभी बढ़ रही है, लेकिन इसमें अभी काफी काम हमें करना है। देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा ये, क्योंकि कई दशकों तक तो हमारी इकोनॉमी की हाल भी ऐसी थी, 1991 के पहले इकोनॉमी का हाल इतना अच्छा था नहीं, तो लोग हमारे देश को इतना देखते नहीं थे। अभी धीरे धीरे इम्प्रेशन बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है कि अगले एक दो पीढ़ी में, अगले 20-30-35 सालों में इंडिया का इमेज बहुत बढ़ेगा, और कई हद तक हमारी पीढ़ी के ऊपर है कि इंडिया का कॉन्वर्सेशन क्या हो विदेश में।